एक सियाणे मनुख नूं जिसनों सी संत कहिंदे आ साधना करदिआं करदिआं जिसकी बारीक अकल हो जाती है उन्हों पता चलता है दुख ते सुख परमात्मा की बनाई हुई मर्यादा के मुताबिक फल ने। अगर फल ने तो परमात्मा की बनाई हुई मर्यादा के मुताबिक इसका बीज है। कोई भी फल बिना बीज तो नहीं है। जिहड़ा कर्म दूसरे नूं चोट पहुंचांदा है उस तो दुख ही निकलेगा, सुख नहीं निकल सकता। किसी दे मन नूं तू चोट पहुंचाईए तो तैनू मानसिक पीड़ा मिलेगी, किसी दे शरीर नूं तू चोट पहुंचाईए तो शरीर तेरा बच नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा दे दरबार विच रंग रूप नजल भाषा मजहब दी विचार नहीं आउंदी। तेरा रंग कैसा है, तेरा रूप कैसा है, तेरा मजहब की है, तेरा मुल्क कैसा है, तेरी भाषा की है, तेरा वर्ण की है, तेरी जात पात की है, परमात्मा इस दी विचार नहीं करदा। फिर किस दी करदा है? कर्मे कर्मे होए विचार सच्चा आव सच्चा दरबार। उस सच्चे दे दरबार विच केवल कर्मां दी विचार और कुछ भी नहीं। तेरा मजहब की है, तेरा मुल्क की है, तेरा रंग रूप कैसा है, तेरी भाषा की है, जात पात की है, गोत की है, घराना की है, कुछ भी नहीं, कर्म की है। कर्मे कर्मे होए विचार। दुख है तो समझ लेना कोई ऐसे बीज बोए गए ने। अक्सर मनुख कह देंदा है पता नहीं ये दुख क्यों है, दरअसल बीज अज बोया है तो फल अज ते है नहीं। बीज फल तक अपड़े विचकार काफी समय का गैप है, अंतराल है। अज बीज बोया है, दो साल चार साल दस साल बाद किधरे फल है, तो कई दफा पता ही नहीं चलता ये दुख पता नहीं किड़े बीज का फल है, मैं कदों बोया सी। श्री कबीर कहिंदे ने अपने कर्म की गत मैं क्या जानो, मैं क्या जानो बाबा रे, हे प्रभु मैनू कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानता। क्यों? तू ऐसा नियम बनाया, तू ऐसी मर्यादा बनाई है, बीज हुण बोईए ते हुणे फल नहीं है, उड़ीक करनी पड़ेगी, उड़ीक करनी पड़ेगी। मैं कणक अज बोईए अज कणक नहीं है, मैं अज अंब का बूटा लाया है अज मैनू अंब नहीं मिलने, मैं अज अंगूर दी बेल लाई है अज अंगूर कोई नहीं। आदमी फल लई फुलां लई अन्न लई छे महीने साल दो साल पांच साल दस साल इंतजार कर सकता, करता है, सारी दुनिया चाहती है। पाठ कीता है, जप कीता है, अमृत वेले उठा है, कहिंदे आज पाठ ते बड़ा कीता है, जप तक ते बड़ा कीता है, होया ते कुछ भी नहीं। ऐसे मिलते ने मैनू, होया ते कुछ भी नहीं, हद हो गई। अंब दा बूटा तू लाया है और तेरा विश्वास कायम है कोई नहीं दो चार साल बाद फल आएगा आएगा। मैं अर्ज करा हो सकता है जमीन ते बोया होया बीज व्यर्थ भी चला जाए, कई बीज नहीं पुंगर रहे, पर शुभ कर्मां दा बोया होया बीज जो अंतशकरण दी धरती विच बोया है एक तिल नहीं भन्ने गाले। महाराज दी बाणी कहिंदी एक तिल जिन्नी गालना भी व्यर्थ नहीं जाएगी, फलीभूत होवेगी, लाजमी होवेगी। पतत पावन हर बिरद सदाए एक तिल नहीं बनने गाले। तिल जितनी भी व्यर्थ नहीं जा, पर सबर ते रख, सबर ए स्वाओ जे तू बंदा दृढ़ करें, वध थी वे दरियाओ टूट न थी वे वाहड़ा। बाबा फरीद, सागर दी तरह हो जाएगा अगर तू सबर रखिया, ते बेसबरी नाल तू मिट्टी हटांदा रहा तो शायद बीज पनपन तो रह जा। इधर तू शुभ कर्म कीता, इधर तू गुरु ते गिले भी करदा रहा, तू गिले करना एक होर कर्म हो गया, इसका भी अपना फल है।
ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਾਈ ਹੈ। ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁੱਖ ਚੱਲਦਾ ਸੁੱਖ ਚੱਲਦਾ, ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਉੱਤਮ ਹੈ ਨੀਚ ਹੈ।